चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू 7 - 2x + 3x² एक्ट ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5 m द वर्क डन इन जूल। देखो ये फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो वेरिएबल फोर्स है, और अगर टाइम डिपेंडेंट है तो भी वो वेरिएबल फोर्स है। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो आपको इंटीग्रेट करना होता है, जैसे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है उस केस में आपको वर्क डन जो निकालना है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एस, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू एफ डी एस इंटीग्रेशन S1 to S2। इनिशियल पोजीशन ये है, ये फाइनल पोजीशन है। तो आपको क्या करना है, इधर भी इंटीग्रेट करना है 0 to W, ठीक है। तो आप जब इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट साइड तो W आ जाएगा, ठीक है, 0 to W लिमिट है, और यहां पर फोर्स का क्या है वैल्यू 7 - 2x + 3x² इंटीग्रेशन, x के टर्म में तो x कर दे रहे हैं ds की जगह, और इंटीग्रेशन में x1 या एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल कर दे रहे हैं, ठीक है। एक्स इनिशियल की वैल्यू कितनी है 0, एक्स फाइनल की वैल्यू कितनी है 5 m। तो ये हो जाएगा W - 0 इज इक्वल टू, ये कितना होगा इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 7x - 2x² / 2 + 3x³/3, ये आएगा इंटीग्रेट करने पे, लिमिट 0 to 5 होगा, यानी W इज इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 7 (5 - 0), ठीक है, ये माइनस होगा, यहाँ 2 से 2 कटा, यहाँ क्या होगा 5² - 0² + 3 से 3 कट गया, 5³ - 0³, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 35, ये कितना हो रहा है -25, और ये कितना होगा +125, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 125 आया, ये कितना आएगा 35 - 25 10 + 125, तो वर्क डन आया 135 जूल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डी वाला ऑप्शन 135 जूल ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।